नमस्कार दोस्तों, समस्याएं आपकी समाधान हमारा के YouTube चैनल में मैं जतिन सहगल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों निरंतर बात करते चले जा रहे हैं सूर्य के गोचर के बारे में, जो कि 15 जून सन 2018 को वृष राशि छोड़कर के मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और 16 जुलाई सन 2018 तक वो इसी राशि में रहेंगे। तो विभिन्न राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों अब बारी है कन्या राशि के जातकों के लिए। कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर उनके नवम स्थान को छोड़ करके उनके दशम स्थान में आ रहा है, और दशम स्थान क्यों, जो कि प्रोफेशन का भी होता है। जैसा मैंने हमेशा पहले भी आप लोगों को बताया, सूर्य जो है सरकार का प्रतीक होता है, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी वो प्रतीक माना जाता है, एनर्जेटिक प्लैनेट है, इसके अलावा गर्म प्लैनेट है। तो यानी जितने भी कन्या राशि के जातक अगर सोच रहे हैं कुछ गवर्नमेंट जॉब के लिए वो अप्लाई किया हुआ है या पहले से एग्जाम दे रखा है उसका रिजल्ट आना है या अब गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही पॉजिटिव पीरियड आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों सूर्य जो है क्योंकि एनर्जेटिक प्लैनेट है, 10th हाउस पिता का भी होता है, प्रोफेशन का भी होता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रोफेशन अगर किडनी का एग्जिस्टिंग है तो थोड़ी सी कुछ प्रोफेशन में कुछ कमियां आ सकती हैं या गवर्नमेंट से रिलेटेड हल्की फुल्की दिक्कत आ सकती है। परंतु इसके अलावा क्योंकि वो उनके 12th हाउस का मालिक है और अपने से एकादश चला गया यानी अपने से 11th चला गया, तो 12th हाउस हम विदेश का भी मानते हैं या अपने जन्म स्थान से दूर का भी मानते हैं। तो यानी जितने भी कन्या राशि के जातक अगर अपने जन्म स्थान को छोड़कर के दूर विदेश के बारे में कुछ सोच रहे होंगे तो दिस इज द रियल टाइम टू गो फॉर इट, मतलब वो जा सकते हैं, उनके लिए बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट वो बनाएगा। परंतु जैसा मैंने हमेशा कहा है दोस्तों, गोचर केवल हमें डिलीवर करने आता है, केवल हेल्प करने आता है। सबसे पहले आपकी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान के अनुसार जो जन्म कुंडली होती है वो ही मेन काम कर रही होती है। उसके अलावा साथ में आ रहा गोचर केवल हेल्प करता है। अगर वो पहले से पॉजिटिव चल रही है और साथ में ये गोचर मैच कर गया तो आपका काम बन जाता है। परंतु अगर वो पहले से महादशा अंतरदशा पहले की उतनी पॉजिटिव नहीं चल रही, थोड़ी सी नेगेटिव चल रही है, तो इतना छोटा गोचर उतनी हेल्प नहीं कर पाता। परंतु जैसा मैंने बोला, घबराने की कोई जरूरत नहीं, ज्योतिष कभी भी डराने के लिए नहीं बनाया गया था, आप इस सूर्य के गोचर को भी पॉजिटिव कर सकते हैं। कन्या राशि के जातक यदि हर रविवार को गेहूं या गुड़ या घड़ी का दान किसी गरीब जरूरतमंद को करेंगे तो देखेंगे धीरे धीरे उनका सूर्य बेटर होता चला जाएगा। मानसिक परेशानी अगर लग रही हो तो गायत्री मंत्र का जाप, मानसिक जाप यदि वो करेंगे तो भी उनका सूर्य बेटर होता चला जाएगा। इसके अलावा पिता या पिता तुल्य व्यक्तियों के साथ अगर अपने संबंध वो अच्छे रखेंगे तो भी उनका सूर्य बेटर होता चला जाएगा। किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट के साथ चीटिंग नहीं करेंगे तो भी उनका सूर्य बेटर होता चला जाएगा। बाकी मेरी शुभकामनाएं कन्या राशि के जातकों के साथ है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं जतिन सहगल, समस्याएं आपकी समाधान हमारा YouTube चैनल। धन्यवाद।